डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। कोरोना वायरस के चलते मास्क पहनना अपराधियों के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है। अलवर गेट क्षेत्र के रहने वाले एक युवक द्वारा कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है कि वह बैंक से 30,000 रुपए लेकर निकला। इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने ऑटो में उसके रुपए निकाल लिए, जिसकी सूचना उसे आगरा गेट पर लगी जब वह फरार हो चुके थे। पीड़ित विष्णु शर्मा ने इस संबंध में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित के अनुसार वह अपनी जरूरत को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित SBI बैंक से 30,000 रुपए निकालकर ऑटो के माध्यम से जा रहा था। इसी दौरान ऑटो में दो अज्ञात व्यक्ति और बैठे थे, जिनके मुंह पर मास्क होने की वजह से वह उन्हें पहचान नहीं पाया। पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं आसपास में लगे CCTV कैमरों के माध्यम से तफ्तीश की जा रही है। साथ ही कोतवाली थाना प्रभारी कैलाश विश्नोई ने आम जनता से अपील की है कि वह इस महामारी के दौरान सतर्क रहे। श्री विष्णु शर्मा ने कल एक तहरीरी रिपोर्ट दी कि उन्होंने SBI ब्रांच मैन कलेक्ट्रेट से 30,000 रुपये निकाल कर आगरा गेट एक ऑटो में बैठ के आ रहे थे, जिसमें दो सवारी और भी थी जिन्होंने मास्क लगा रखा था। आगरा गेट आने पर उन्होंने संभाला तो 30,000 रुपये उनके बैग से वो चोरी पाए गए। उन्होंने थाने पर आकर रिपोर्ट दी, जिसकी मुकदमा दर्ज कर अज्ञात मुलजिमान की तलाश की जा रही है। मास्क पहने होने से उनका हुलिया और चेहरा वो देख नहीं पाए, तो ऐसे समय में हम आम जनता से ये अपील भी करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि कोविड महामारी का दौर चल रहा है जिसमें लोग बाग मास्क पहने हुए रहना एक हमारी बाध्यता हो गई है, तो उसकी आड़ में कुछ आपराधिक तत्व भी इस तरह की वारदातें अंजाम देने की फिराक में है। हमारी तरफ से गश्त और सभी तरह की निगरानी की जा रही है, फिर भी थोड़ा जनता से सहयोग चाहेंगे इस समय और जागरूक।